हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी लोगों का किचन चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे तो दोस्तों, पनीर की सब्ज़ी आप लोगों ने बहुत से तरीके से बनाकर खाए होंगे, पर एक बार मेरा तरीका अगर देख लेंगे ना, तो सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। बहुत ही हेल्दी तरीके से बनेंगे और स्वाद एकदम रेस्टोरेंट ढाबे जैसा ही रहेगा। तो चले, देरी किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर ले लिया है। अब चलते हैं, हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पनीर के ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं बनाएंगे, मीडियम साइज़ में बनाएंगे। तो मीडियम साइज़ के बने रहते हैं तो खाने में भी अच्छे लगते हैं, और सब्ज़ी जब बनती है तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। ज़्यादा छोटे हो जाते हैं तो वो ग्रेवी में खो जाते हैं। तो पनीर मेरा कट के सारा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं, हम इन्हें मैरिनेट कर लेते हैं मसालों में। तो हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और उसमें पनीर को रख दिया। तो सबसे पहले ही पर डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, फिर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, फिर यहीं पर आधा चम्मच नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पनीर को मिक्स करने के लिए हम यहाँ पर कोई चम्मच का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसे अपने हाथों से मिक्स कर रहे हैं उछाल उछाल के। इस तरह करने से मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और पनीर भी फूटते नहीं। अब पनीर को कम से कम 10 से 15 मिनट तक ढककर छोड़ देंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तब तक चलते हैं, इनकी ग्रेवी के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले में हमने यहाँ पर 3 से 4 लाल मिर्च ले लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 चम्मच छोटा जीरा, 1 बड़ा चम्मच खड़ी धनिया, 2 टमाटर, कुछ लहसुन की कलियाँ हैं और 2 मीडियम साइज प्याज कट कर ले लिए हैं। अब चलते हैं, इन सभी को पीस लेते हैं। और टमाटर और प्याज को हमें अलग अलग पीसना है। तो इन सारे खड़े मसाले को हमें सिलबट्टे पे पीसना है। तो चलते हैं, मसाले को पीस लेते हैं। पीसने के बाद अब चलते हैं पनीर के पास, जो कि 10 से 15 मिनट हो चुका है। पनीर मसाले में अच्छी तरह से मिक्स भी हो चुका है। और दोस्तों, हम यहाँ पर पनीर को कोई डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं, बल्कि इसे हम लोहे के तवे पे फ्राई करेंगे। अब आप लोग कहेंगे लोहे के तवे पर? हाँ, एकदम डीप फ्राई जैसा फ्राई होगा, सिर्फ लोहे के तवे पे। दोस्तों, जब तवे पर पनीर फ्राई होकर ग्रेवी में जाता है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, यकीन ना आए दोस्तों। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो पनीर को अब हम उलट पलट के अच्छी तरह से सेक लेंगे, बहुत ही आसानी से कम 2 से 3 मिनट में सिक जाते हैं। तो लीजिए, मेरे सारे पनीर फ्राई हो चुके हैं। अब यहीं पर ले लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए पनीर को, ताकि पनीर मेरा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से पनीर हमारा ग्रेवी में चिमड़ा नहीं होता है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और अब चलते हैं, मसाले को भून लेते हैं। तो मसाला भूनने के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ले लिया। इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और 1 तेज़पत्ता तोड़ के डाल दिए हैं, और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। तो तड़का मेरा अच्छी तरह से चटक गया है। अब यहीं पर पिसे हुए प्याज को इसमें डाल देंगे, और प्याज को डालते ही समय ढक्कन से ढक देंगे, ताकि तेल हमारा उड़े ना। अगर तेल उड़ जाता है तो तड़के का सारा स्वाद तेल के साथ निकल जाता है, जो कि ग्रेवी में सारा स्वाद नहीं मिल पाता है। ये बातें हम अपने दादी और मम्मी से सीखा है। उन लोग कहती थी, जब मसाले को भूनो तो ढक्कन से ढक देना चाहिए, देखो तब ग्रेवी कितनी अच्छी बनती और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो लीजिए, बातों ही बातों में प्याज अच्छी तरह से भून चुका है। अब पिसे हुए मसाले को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है। तो लीजिए, मेरा अच्छी तरह से भून चुका है। अब यहीं पर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, जो कि हम डालना भूल गए थे, तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच डाला है। अब यहीं पर पिसे हुए टमाटर को भी इसमें डाल देंगे, और टमाटर को भी अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो जब मटर मसाले के साथ पक रहा है, तब तक देख लेते हैं पनीर अच्छी तरह से फूल चुका है या नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग, पनीर मेरा अच्छी तरह से फूल चुका है, पानी निचोड़ने से निकल जा रहा है और काफ़ी स्पंजी है। अब चलते हैं, इन सारे पनीर को पानी से अलग कर लेते हैं।
तो लीजिए दोस्तों, मेरा मसाला सारा पक्के रेडी हो चुका है। इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है और इसमें से जो तेल रिलीज होने लगा है, ताकि मसाला मेरा अच्छे से पक चुका है और इसमें से जो खुशबू निकल रही है, वाओ क्या ही बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छी फैल रही है। मन कर रहा है कि अभी खा लें। अब इसमें हम पनीर को डाल देंगे और पनीर को डालते समय इसे लगातार कम से कम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से धीमी आंच पर भून लेंगे, ताकि मसाला पनीर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहीं पर अपने स्वादानुसार नमक डालेंगे। तो नमक हमने पहले भी पनीर में डाला था, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब यहीं पर हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पर पानी का 1 गिलास इस्तेमाल किया है। अब इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक हाई टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। तो लीजिए 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब गैस को चले चलते हैं बंद कर देते हैं और इसे ढककर 1 मिनट तक छोड़ देते हैं। 1 मिनट हो चुका है और ग्रेवी अच्छी तरह से शांत हो चुकी है। अब ऊपर से डाल देंगे 1/2 चम्मच कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके। तो आप लोग कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, इससे जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों, मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हमें बताइए कि आप लोगों ने इससे पहले इस प्रकार की रेसिपी बनाकर खाई है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।